आकाश तो अपना मोबाइल यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ गया है। एक काम करो स्नेहा, तुम कुछ देर बाद फोन करो। ठीक है। वो अजय अगर आकाश आए तो उसे कहना मुझे फोन करे। वो स्नेहा का फोन आया था। क्या कहा उसने? नहीं कुछ खास नहीं, बस कह रही थी कि वो ठीक है और फिक्र करने की कोई बात नहीं। कामिनी, ये सारी बातें मैं अपने मॉम डैड को बताना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो जानती हो ना कि अभी स्नेहा का एक्सीडेंट हुआ। वो लोग पहले से ही बहुत टेंशन में, अब मैं उन्हें अपनी शादी की बात बता के और ज्यादा दुख नहीं देना चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मैं देख नहीं सकती तो आकाश भी मुझसे बात नहीं करना चाहता? लगता तो मुझे कुछ ऐसा ही है। मॉम, मैं तो बस यही पूछने आया था कि डैड से कि क्या उस इंसान का पता चला जिसने स्नेहा का एक्सीडेंट किया था। नहीं शुभा, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हमें अब तक ये नहीं पता चल सका कि हमारा वो दुश्मन कौन है। नहीं डैड, वो जो कोई भी था कम से कम हमारा दुश्मन नहीं था। वो तो आकाश का दुश्मन था। स्नेहा ने तो यही कहा था कि वो आकाश को मारना चाहता है और आकाश को बचाने में स्नेहा घायल हो। मैं तो बस आपसे यही कहने आया था कि हमें देवराज अंकल के दुश्मन के बारे में पता करना चाहिए। शुभम, अगर वो देवराज का दुश्मन है तो फिर भी हम उसे ढूंढ निकालेंगे और जिस दिन हम उसे ढूंढ निकालेंगे शुभम, हम उसे ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। विशेष जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो गौरी। विशेष जी, स्नेहा जी की आंखों की रोशनी चले जाने से उनकी सारी खुशियां भी चली गई और उनको दुखी देखकर हमें रोना आ जाता है। विशेष जी, आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए ना, हम हमारी आंखें उन्हें देना चाहते हैं। विशेष जी, हमारा क्या है, हमें तो ये तक नहीं पता कि खुशियां क्या होती है, लेकिन अगर हमारी आंखें दे देने से उनकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। क्या हुआ विशेष जी, हमने कुछ गलत कह दिया? नहीं गौरी, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अगर बात स्नेहा को सिर्फ आंखें देने की थी तो मैं खुद अपनी आंखें दे देता। क्योंकि विशेष जी, हमने तो सुना है कि एक इंसान की आंखें दूसरे इंसान की आंखों में लग सकती है। तुमने सही सुना है गौरी, लेकिन स्नेहा की आंखें खराब नहीं हुई। क्योंकि खराब नहीं हुई तो फिर उन्हें दिखाई क्यों नहीं देता? इसलिए गौरी, क्योंकि हमारे सर में कुछ ऐसी नसें होती हैं जिनकी वजह से हमें दिखाई देता है, और उस एक्सीडेंट के बाद स्नेहा के सिर की वो नसें खराब हो चुकी। तो क्या आप स्नेहा जी को कभी दिखाई नहीं देगा? नहीं गौरी, ऐसा नहीं है, उसका इलाज चालू है, पर उसे कब दिखाई देगा ये कहा नहीं जा सकता। पर ये मत, अगर भगवान ने चाहा तो स्नेहा जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, हमें भगवान जी पे पूरा भरोसा है। आप रोइए मत।
क्या बात है बेटा, किसे फोन लगा रही हो? मम, आकाश को फोन लगा रही थी। दो, मैं लगा कर देती हूँ। नहीं मॉम, फोन तो मैं भी लगा लूंगी, पर मॉम आकाश शायद मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों सोचती हो बेटा, वो क्यों नहीं बात करेगा तुमसे? पता नहीं मॉम, मॉम कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि मैं अब देख नहीं सकती इसलिए आकाश अब मुझसे प्यार ही नहीं करता? कैसी बातें कर रही हो स्नेहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी बात होगी। तो मॉम फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? अब ये तो उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा, है ना? तो मॉम उससे पूछिए ना कि वो मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा। पूछूंगी, मैं जरूर पूछूंगी बेटा, लेकिन अब रात बहुत हो गई है, कल सुबह बात करें उससे। रात हो गई है मॉम? हाँ बेटा, बहुत रात हो गई है। हाँ तो मॉम मुझे ये भी पता नहीं होता कि दिन कैसा होता है। चलो बेटा सो जाते। संभल के इस तरफ से। राजीव, एक गुड न्यूज लेकर हाजिर हुआ हूँ। अब तो हमारी मिठाई बनती है। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि रंजीत अब भी इस दुनिया में जिंदा है, इसलिए पुलिस वालों ने जो सुमन जी पर इल्जाम आयद किए थे कोर्ट ने वो खारिज कर दिए। थैंक यू महेश बाबू। महेश बाबू मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपकी मेहनत की वजह से ये सब काम आसान हो गया, वरना ना जाने मुझे कोर्ट के कितने चक्कर लगाने पड़ते। थैंक यू भाई साहब, आपका हम पर बहुत बहुत एहसान है। अरे नहीं नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया है भाई, ये तो मेरा फर्ज है। आप लोग घर के लोग हैं और फिर ये मेरा पेशा भी है, मुझे तो करना ही था। बस ये है कि मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि आपके हाथों किसी का खून हो ही नहीं सकता, आपको तो बरी होना ही था। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि कोर्ट ने भी मेरे इस यकीन के साथ इंसाफ किया और इस पर अपनी मोहर भी लगा दी भाई। थैंक यू। और कम ऑन राजीव, डोंट मेंशन दैट प्लीज। इनके लिए चाय बना कर लाओ। गौरी, वो बात दरअसल ये है कि क्या हुआ स्नेहा जी? नहीं कुछ नहीं। नहीं स्नेहा जी, आप हमसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ गौरी, कहना तो चाहती थी, पर जिसके बारे में कहना चाहती थी जब वो ही मुझसे बात नहीं करना चाहता तो तुमसे कहकर क्या फायदा? आप आकाश जी के बारे में बात कर रही है? हाँ मैं आकाश के बारे में बात कर रही हूँ। पता गौरी, आकाश मुझसे बात नहीं करना चाहता। आकाश जी आपसे बात नहीं करना चाहते? नहीं नहीं स्नेहा जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है गौरी, मैंने आकाश को फोन किया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया, और मैंने बुआ जी के पास मैसेज छोड़ा तब भी उसने मुझे वापस फोन नहीं किया। स्नेहा जी ऐसा भी तो हो सकता है कि आकाश जी का फोन खराब हो गया हो और बुआ जी उन्हें बताना भूल गई हो। नहीं गौरी, उनका फोन चल रहा है, और मैंने दोबारा बुआ जी से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने आकाश को मैसेज दिया था। स्नेहा जी अगर ऐसी कोई भी बात है तो हम खुद आकाश जी के पास जाके इस बारे में बात करेंगे।
गौरी यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम आकाश के घर जाओ। लेकिन गौरी आकाश से कुछ मत कहना, सिर्फ सुनना कि वो क्या चाहता है, क्योंकि गौरी हम आकाश से प्यार करते हैं और उसे पाना भी चाहते हैं, लेकिन उसे मजबूर नहीं करना चाहते। सुनिया जी आप उसे कुछ भी मत कहिए, हमें पता है कि हमें आकाश जी के साथ क्या बातें करनी है। फिश, चलो आज मैंने मैटिनी शो के 2 टिकटे बुक करवाए हैं, चलो फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म देखने? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? फिश, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अगर तुम 24 घंटे इसी तरह बैठे रहोगे तो तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा, और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाना चाहती हूँ कि हम दोनों फिल्म देखने जाएं, ताकि तुम्हारा ध्यान बढ़ जाए और तुम स्नेहा के दुख को कुछ पल के लिए भूल सको। नहीं सिंह, स्नेहा मेरी अपनी बहन है और उसका दुख भी मेरा अपना दुख है, और अपने दुख को ना तो भुलाया जाता ना ही उससे भागा जाता। तो भी ठीक है, तुम यहाँ बैठे बैठे आंसू बहाते रहो, लेकिन जरा ये तो सोचो क्या तुम्हारे इस तरह रोने से स्नेहा की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी? नहीं, बल्कि तुम्हारे भी आंखों की रोशनी चली जाएगी। क्या हुआ? मॉम, ये समझ पागलों जैसी बातें कर रही है। आंटी, वो मैं फिश को बाहर फिल्म दिखाने ले जाना चाहती थी ताकि फिश का थोड़ा दुख कम हो सके। सुना आपने? ये मुझे फिल्म दिखाने ले जाना चाहती। तो क्या हुआ विशेष? ये तो सिर्फ तुम्हारा दिल बहलाना चाहती है, इसमें गलत क्या है? जी आंटी। देखो विशेष, अगर तुम किसी बात पर दुखी हो तो तुम्हें कोई हक नहीं मिलता कि तुम किसी और को दुखी करो। और एक बात, अगर तुम सिमी को अपनी अच्छी दोस्त मानते हो तो उसका दिल रखने के लिए तुम्हें फिल्म देखने के लिए जाना चाहिए। आप चले जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक्स। कैसे हो तुम युगांक? मैं ठीक हूँ विक्रम साहब। कब आ रहे हो इंडिया? मैं इंडिया आ चुका हूँ विक्रम साहब। क्या तुम इंडिया आ गए हो और मुझे पता ही नहीं चला? खैर, स्नेहा के बारे में तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हाँ, मुझे अवंतिका ने स्नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया। अगर तुम्हें पता चल गया था तो तुम्हें तो पहले आ जाना चाहिए था, और तुम आज मुझे फोन कर रहे हो। विक्रम साहब, मुझे अफसोस इस बात का है कि स्नेहा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे एक फोन तक नहीं किया। युगांक, तुम तो जानते हो कि स्नेहा के एक्सीडेंट के बाद में हमारे घर में कितनी परेशानियां बढ़ गई होंगी। इन परेशानियों की वजह से मुझे तुम्हें फोन करना याद नहीं रहा। यही तो बात है आपकी, कि आप अपने परेशानी में हमेशा अपनों को भूल जाते हैं। खैर छोड़िए, अब बताइए स्नेहा की तबीयत कैसी है? युगांक, उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे जिंदगी की सारी खुशियां उससे छीन ली गई हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता विक्रम साहब। जब तक मैं जिंदा हूं मैं स्नेहा को उसकी जिंदगी में कभी मायूस नहीं होने दूंगा।
मैं उसके लिए बड़े से बड़ा डॉक्टर अपॉइंट करूंगा बेगम साहब। वो तो मैं भी कर सकता हूँ युगांक, आखिर ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? वैसे मैं आपसे कभी भी मिलने आ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपसे मिलने नहीं आऊंगा। मगर क्यों, क्या हुआ? वैसे हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन विक्रम साहब आप एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जब भी आपके घर आता हूं तो कोई ना कोई टेंशन हो ही जाती है। और फिलहाल सभी लोग स्नेहा को लेकर बहुत टेंशन में। मैं नहीं चाहता कि मेरे आने से सारी टेंशन और बढ़ जाए। अगर तुम विशेष की बात कर रहे हो गांग, तो मैं उसे समझा दूंगा। मैं जानता हूं कि आप उसको समझा देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके घर नहीं आना चाहता। हाँ, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि मैं आपके साथ हूं और हमेशा आपका साथ चाहता हूं। आया था कितनी खुशी सा।